अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और फिर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर खड़गे प्रियंक खड़गे साहब और तमाम माइनॉरिटी MLAs, MLCs, MP साहब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों के सपोर्ट से। आज मुझे सेकेंड टाइम मौका मिला है, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करके जितना मेरे से हो सकता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हम लोग किए हैं काम, इस बार भी इंशाल्लाह ताला बहुत काम करके लोगों के जो भी मसले मसाइल हल करेंगे। कमरुल इस्लाम साहब को तो मालूम है आपको कितना दिलचस्पी थी वक्फ बोर्ड से मिनिस्टर बनने जी के लिए। मिनिस्टर बनने का बहुत वो थी उनको, अल्लाह ताला ने उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी की, वक्फ के मिनिस्टर भी बने थे उन्होंने। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मसले हल करने की कोशिश करूँगा। गुलबर्गा में ज़्यादा मसाइल होने की वजह से ही मैं सेकेंड टाइम आई हूँ बोर्ड में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मसले हैं और ज़्यादा वक्फ की जगह है वहाँ पर। तो मैं, मेरा सेकेंड टाइम आने का मकसद वही था कि वहाँ के मसले हल हो सके, वो एरिया के हमारे रायचूर हो, बिदर हो, यादगीर वगैरह के सब मसले हल होना मेरा इरादा, इसीलिए मैं सेकेंड टाइम इरादा की हूँ। अल्लाह ताला पूरा करे, मेरा बस दुआ ही। देखिए, 6 साल मैं बोर्ड का मेंबर रहा, काफ़ी उसमें काम करने का मौका मिला था। अभी जो माहौल जो बदला हुआ पूरे देश भर में, जो वफ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, JPC गठित हुई है, उसमें आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसमें हो रही है, कुछ लोग और कुछ ताकतें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ को ख़त्म करें। वक्फ बाई यूज़र जो है, जो 500 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल से जो वक्फ बाई यूज़र कॉन्सेप्ट से बहुत सारे ज़मीनें, बहुत सारे दरगाहें, मस्जिदें, खबरस्तान, ईदिये जो बचे हुए हैं उसको सब ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है, और वक्फ को और वक्फ के इदारों को कॉन्ट्रोवर्सल बनाने के लिए बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह आज हिंदुस्तान में वक्फ की बात हो रही है, तो ऐसे एक माहौल में दोबारा वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने का मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जज्बे से, उसके साथ साथ में जो हम लोग डिप्लोमेटिकली हम लोग काम करके वक्फ के इदारों को सिर्फ प्रोटेक्ट ना करें, उसके साथ साथ में उसको कैसा बढ़ाएँ, आमदनी कैसा बढ़े, और आमदनी से जो है जो गरीब मुसलमान हैं उनका फ़ायदा कैसा हो, तो उस रास्ते में हम काम करेंगे। कमेटियाँ बनते रहते हैं, मुतल्लियाँ बनते रहते हैं, छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को हमारे प्रॉपर्टीज़ को बचाने का, उसको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करने का, और जो रेवेन्यू आएगा उससे गरीब को, गरीब मुसलमान को मदद करने की तरफ हम लोग को काम करना चाहिए। देखिए, वक्फ किसी की ज़मीन ले ही नहीं सकता, इल्लीगली किसी की ज़मीन ऑक्यूपाई करना या वक्फ में लेना ये अन इस्लामिक है। हम किसी की ज़मीन ले ही नहीं सकते, लेकिन जो वक्फ की ज़मीन है, जो अलग अलग इश्यूज़ की वजह से जो खाते पे नहीं चढ़ी हुई हैं, या बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो इनाम अबोल्यूशन में गई थी, या नहीं तो लैंड सीलिंग एक्ट में गई थी, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि वंस ए वक्फ इज़ ऑलवेज ए वक्फ, वैसे इश्यूज़ हैं, उस इश्यूज़ को सरकार के साथ में और ज़रूरत पड़ी को जुडिशरी के, कोर्ट के दरवाजे खटखटा के हम लोग जो है उन ज़मीनों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। किसी गरीब की हो, किसी किसान की हो, या किसी भी आदमी की हो, जो वक्फ की ज़मीन नहीं है उसको हम ऑक्यूपाई भी नहीं कर सकते, ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते, और किसी वक्फ की अगर ज़मीन नहीं है तो हम क्यों लेने की कोशिश करें किसी की वक्फ की ज़मीन, तो हम, जैसा मैंने कहा, वो अन इस्लामिक है। तो सिर्फ जो वो जहाँ जायज़ वक्फ की ज़मीन है सिर्फ उसकी लड़ाई होगी। इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। बहुत साल से वक्फ बोर्ड के आजू बाजू में, वक्फ बोर्ड के अंदर भी हमारा काम तो है ही, ऐसा नहीं काम नहीं किया करके, बट अभी फ़िलहाल इस बार मुझे मेंबर बनने का मौका सब लोग, अपने सब दोस्त लोग मिलकर दिए हैं, तो आई ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट, मैं कबूल करके उसमें अभी इंशाल्लाह जो भी काम होना है वो काम करेंगे। कैसे सर, खुशी खुशी कबूल किए या कोई दबाव था? नहीं, नो दबाव। होम का काम करने के लिए इंसान को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलना है, बहुत बड़ा बात है, फिर उसके लिए उसमें कोई ये नहीं है, बहुत खुशी से
और इंशाल्लाह बहुत काम भी करना है हमें तो करेंगे। तो वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड ना किसी का प्रॉपर्टी को पूछ रहे हैं कुछ है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दिया तो बस है, और किसी का दूसरा क्या भी नहीं है इसमें। तो इंशाल्लाह वो जो भी है वो कुछ करेंगे। छीन रहे हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ है नहीं। अभी इल्ज़ाम लगाना, किसी को भी किसी का ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन हकीकत क्या है, उसका कोई कागज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है? डीसी तक उधर कुछ नोटिस नहीं दिया है, ये लोग खाली बोल रहे हैं। देखिए एक हमारा हक बनता है, जो भी वक्फ का प्रॉपर्टी है वक्फ को दिलाना का, अगर वक्फ का नहीं है तो हक कैसा दे ले सकता है या दे सकता है? तो आखिर में आपकी क्या कोशिश रहेगी सर, वक्फ बोर्ड के जरिए क्या काम करना? नहीं ना, हम लोग अभी देखेंगे, वक्फ बोर्ड में काम तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं नया कुछ करके नहीं, बट बहुत काम हो रहा है। अभी भी हमारे को मौका जो मिला है उसके हिसाब से हम लोग भी बैठ के कुछ नया तरीके से कुछ डिजिटलाइजेशन ये वो करके कैसे हम थोड़ा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो करेंगे।